नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनाज डेन में। और मैं हूँ मोना। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ऑयली स्किन के लिए एक ऐसा फेस पैक जो 100% होममेड है। घर की चीज़ों से आपने बनाना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं आपको। वैसे भी मैं प्रेफर करती हूँ कि किचन इंग्रेडिएंट से ही कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके फायदे बड़े सारे मिल जाएं आपको। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरू होने से पहले मुझे फटाफट से बताइए कि किस किस ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जिसने नहीं किया है ना, वो फटाफट से कर लो। तो चलो फिर होम रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है, देख लो आप, और मेरे बाल अच्छे हो गए ना। होम रेमेडी मैंने कुदरत के लिए बनाई थी, वही होम रेमेडी और वही वाला ऑयल और वही वाला कंडीशनर मैं लगा रही हूँ। बाय गॉड, बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। कुदरत केयर पे वो सब चीजें जरूर देखो। और आजकल तो इतना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग तारीफ भी बहुत कर रहे हैं मेरे बालों की, पता है? आप भी कर दो, चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे सिल्की सिल्की बाल। मजाक कर रही थी। ओके अच्छा, जब बात ऑयली स्किन की आती है ना, तो आप इंग्रेडिएंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ऑयली स्किन के लिए सबसे जरूरी और अच्छी चीज होती है ऐसी चीजें जो आपके शरीर से एक्सेस ऑयल खींच ले, ठीक है? तो आपने क्या करना है, भरपूर मात्रा में पानी पियो। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आपने पीना है, ये जरूरी करना है। मुझे याद आ गया, चलो मैं भी पानी पी लेती हूँ, और मुझे देख के आपने भी पीना। चलो सच्ची में फटाफट से फोन रखो और सब लोग पहले जाके पानी पी के आओ। तो टाइम पास कर रही हूँ ना, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट ऐसे आने वाले हैं कि यार क्या है, सीधा सीधा होम रेमेडी बनाओ और खत्म करो कहानी। ऐसे मजा नहीं आता ना जब तक आपको परेशान नहीं करूं मैं। ठीक है, तो चलो ये है हमारा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो ड्राई स्किन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर रोज लगाएंगे ना, तब भी आपके चेहरे पे जो एक्सेस ऑयल आ जाता है ना, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, आधा चम्मच मैं ले रही हूं मुल्तानी मिट्टी, ये देख लो। ऑयली स्किन के लिए होम रेमेडी हम बना रहे हैं तो हमने और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। साथ में मैं ले रही हूं नीम पाउडर, आधा ही चम्मच नीम पाउडर लूंगी मैं, ये देखो इस तरह से। अच्छा, मैं ना आधा आधा चम्मच ले रही हूं। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप एक एक चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी मुल्तानी मिट्टी मैंने डाली है उतना ही मैंने नीम पाउडर डाला है। नीम पाउडर आप घर पे भी बना सकते हैं, अमेजोन से भी मिलता है वहां से भी ले लो, केमिस्ट की शॉप से भी मिलता है वहां से भी ले लो, लेकिन रेडीमेड फेस पैक नहीं लेना है, ड्राई नीम पाउडर लो आप, ठीक है? फेस पैक जब हम लेंगे ना वहां से, तो उसमें होती है बहुत सारी चीजें मिक्स और फिर हो जाती है परेशानी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज आपने इसमें मिक्स करनी है हनी। अब आपका ये प्रश्न आने वाला है, यार हनी क्यों लगाना है, हनी तो अच्छा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने हनी नहीं लगाना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लिसरीन, लेकिन हम इसके डालेंगे सिर्फ 2 ही ड्रॉप। देखिए दिखाती हूं आपको, देख रहे हो, ज्यादा नहीं लेना है। ग्लिसरीन भी इतनी ही लेनी है। अच्छा, अब हमने इसको पैक हमने बना लिया। अच्छा, मैंने पतला पतला इसलिए बनाया क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है यार, और ड्राई हो जाएगी इसको लगा के। वैसे हनी थोड़ा सा ज्यादा डालना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एग्जैक्टली वैसे ही पैक बना के दिखाऊंगी। अच्छा, अभी ना इसको बनाने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, मिक्स करने के लिए मैंने एलोवेरा जेल और कुकुम्बर जेल दोनों ही है। जिसको भी इसका रिव्यू चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे कि हाँ कुकुम्बर जेल और एलोवेरा जेल का रिव्यू दे दो हमको, तो मैं दे दूंगी। और भी किसी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू चाहिए और वो प्रोडक्ट मेरे पास होगा, मैं खरीद के नहीं लाऊंगी, तो मैं आपको रिव्यू कर दूंगी उस वीडियो का, मतलब उस प्रोडक्ट का, तो आप मुझे बताएं। तो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी एलोवेरा जेल, ठीक है? दिखा मैं कुकुम्बर जेल रही हूँ, देखो ये बहुत अच्छा है, हाँ मुझे पसंद आया एक्चुअली ये। तो हम इसका मिलाएंगे इस तरह से, आधा सा चम्मच, ज्यादा नहीं मिलाया मैंने, और हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग मिक्सिंग बड़ी जरूरी है। और इसको मैंने बहुत
कम बनाया है, आधा आधा चम्मच मिलाया है, क्योंकि मुझे पतली लेयर लगानी है, लेकिन आप थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएं, ज़्यादा लाभ होगा आपको। लगाने के लिए कुछ खास नहीं, देख लो मेरा चेहरा ठीक ठाक ही है, ऐसे लगा लेते हैं अपन। ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों को, पहले लगा लो। लगाने के लिए बस ऐसे ही थोड़ा 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 करके आप लगाओ, लेकिन जिन लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली है ना, वो मोटी लेयर लगाए। ऑयली और कील मुहासे वाली स्किन दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छा है। तो वैसे भी कील मुहासे ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन पे नहीं आते हैं, ये देखो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज का, मेरी स्किन इतनी ड्राई है फिर भी कील मुहासे आते हैं। कील मुहासे आते हैं जब हमारी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाता है, हम हॉट हो जाते हैं, तो अपने आप को ज्यादा हॉट ना करें। ठीक है, अच्छा सुन लो, अभी आपके तीन टिप बता देती हूँ। अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तब आपने सुबह सुबह दालचीनी एक चुटकी डाल के गर्म पानी में जरूर पियो। विनेगर होता है ना, उसको रोज वाटर ले लो, रोज वाटर की बॉटल आती है ना इतनी बड़ी सारी, वो बॉटल ले लो, उसमें से थोड़ा सा रोज वाटर निकाल दो, एक चम्मच विनेगर डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नीम पाउडर मिक्स करके उसी में रख दो, और उसको फ्रिज में रख दो, और उस सीरम को आते जाते अपने चेहरे पे लगाते रहो। जिनकी स्किन पे पिंपल्स, कील मुहासे, ऑयली स्किन ज्यादा है उनके लिए अच्छा। ड्राई स्किन वाले ऐसा नहीं लगाएंगे, ड्राई स्किन का पैक बनाऊंगी ना मैं, उसमें बताऊंगी आपको ड्राई स्किन के लिए क्या लगाना है। मेरी स्किन भी ड्राई है, मैं बताऊंगी आपको कौन सा सीरम मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये हो गया है देखो, अभी आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रहने दो, और फिर उसके पास बाद गुनगुने पानी से आपने चेहरा धो लेना है अच्छे से, और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर सीरम क्रीम जो भी है वो जरूर लगाएं, क्योंकि ये पैक लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम कोमल और मुलायम हो चुकी है। आपने ध्यान रखना है इस चीज का, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है स्किन को, कुछ ना कुछ जरूर लगाएं। ठीक है, अब मैं इसको बाद में आराम से वॉश करूंगी। आपने वीडियो को लाइक करना है बंद करने से पहले, हाँ ऐसे उंगली घुमा के कहीं और ना चले जाएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और फेस वॉश करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं, वीडियो बनाऊंगी मैं, रोज ही आते हैं अब तो, वीडियो देख लियो, स्किन अच्छे से ग्लो करती है। और मोनाज देन के मोस्टली वीडियोज जो होम रेमेडीज के होते हैं ना, ऐसे सिर्फ नरेशन करना है किसी चीज का, नरेट करती हूँ जब मैं, तब मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं होम रेमेडीज लगाती तो मैं बिना मेकअप के वीडियो शूट करती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बस फिर मैं ये करके उसके बाद मैं अपना कोई मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। ठीक है, आपने भी ऐसे करना है। तो मैं आऊंगी आपसे मिले अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार होम रेमेडी के साथ। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों, बाय बाय।